गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो इंडिया ने कल इंग्लैंड को एक मेजर डिफीट दे दी है। 229 रन्स हमने डिफेंड कर लिए एंड 100 रन्स से हम ये मैच जीत लिए हैं। आई नो आप लोगों ने ये वीडियो लाइव देखी होगी एंड जो क्रिकेट मैच है वो लाइव देखा होगा एंड हजारों वीडियोस देखी होंगी हजारों एनालिस्ट के तरफ से, जो इंडिया की बॉलिंग एंड रोहित शर्मा की बैटिंग सबकी सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम कुछ हटके बात करने वाले हैं इंडिया की कहां-कहां फॉलीज हुई और वो फॉलीज में वो कैसे उभर के आए। सो व्हाट मिस्टेक्स डिड इंडिया डू एंड हाउ डिड दे रिकवर फ्रॉम दोज मिस्टेक्स टू विन दिस मैच। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग व्हिच द अदर्स आर नॉट डिस्कसिंग। नोबडी हियर इज टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स दैट इंडिया मेड एंड व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि आगे हमारा सेमीफाइनल, अब हम रेडी हैं, हम क्वालिफाई कर गए हैं एंड हमें सेमीफाइनल में जो भी हल्की फुल्की गलतियां हुई हैं वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो इस वीडियो में आप ये सारी चीजें मैं काउंट करूंगी, हमारे पॉजिटिव्स, हमारे नेगेटिव्स एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट एंड व्हाट वी शुड नॉट डू इन फ्यूचर। सो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इफ यू लाइक द वीडियो एट द एंड ऑफ इट देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लीव योर कमेंट्स बिलो। तो भाई अगर मैच की बात करें तो सारे लोग कह रहे थे इंडिया ने तो अभी तक चेस जीता है, बैटिंग फर्स्ट तो इतना जीता ही नहीं है। तो भाई बैटिंग फर्स्ट करके देखा जाएगा इंडिया कुछ डिफेंड कर पाती है कि नहीं। मैच शुरू होता है, पिच बहुत ही डिफिकल्ट पिच थी, लखनऊ की टिपिकल विकेट जो होती है बिफोर जो उनके क्यूरेटर चेंज हुए, डीमेरिट पॉइंट मिला, सब कुछ हुआ, उससे पहले जैसी वो पिच रखते थे लखनऊ की वैसे ही पिच क्यूरेटर साहब ने बना दी एंड इंडियंस ने रविचंद्र अश्विन को एक स्पिनिंग टर्निंग ट्रैक में एक स्लो विकेट में नहीं रखा। तो भाई मुझे शुरू में थोड़ा शॉक लग गया कि यार ये तो रविचंद्र अश्विन के बिना चले गए एक स्पिनिंग विकेट पे, तो इंडियंस का क्या होगा। एंड जॉश बटलर ने टॉस जीता एंड इंडिया को बैटिंग के लिए अंडर डाल दिया एंड वी वर एक्साइटेड बिकॉज वी वॉन्ट टू टेस्ट आर बैटिंग फर्स्ट। हम चेजिंग में तो हमारे चेज एकदम एक्सपर्ट हैं बट बैटिंग में क्या हम एक अच्छा स्कोर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, तो वो देखना जरूरी था। सो नंबर वन थिंग विच इंडिया टिक्ड करेक्टली वॉज बैटिंग फर्स्ट। ये चीज बहुत जरूरी थी, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम सेमीफाइनल्स तक चेज करते करते जाए और चेज जीतते जीतते जाए एंड सेमीफाइनल्स में हमको बैटिंग दे दी जाए तो हम वहां फंस जाते। सो दिस इज वन थिंग वी डिड एक्चुअली राइट विच इज बैट फर्स्ट। स्लो विकेट थी, आई थिंक हमने एक ट्रिक यहां मिस की कि स्लो विकेट में हमें एक और स्पिनर डालना था। कल कुलदीप यादव की बॉल जो उन्होंने जॉश बटलर को आउट किया था अपनी फर्स्ट बॉल में, दैट टर्न 7.2 डिग्रीज। अगर कुलदीप यादव अपनी फर्स्ट बॉल में इतनी टर्न ला सकते हैं तो डेफिनेटली जडेजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, अश्विन भी इस पिच पे बहुत इफेक्टिव होते। मे बी वी शुड हैव रेस्टेड आउट सिराज एंड गॉट एन अश्विन ऑन दिस विकेट। मुझे लगता है इंडिया मिस्ड अ ट्रिक देयर। इन एनी केस वी वन द मैच, तो भाई ये ट्रिक मिस जरूर हो गई लेकिन वी इन फ्यूचर अगर हमें स्लो विकेट मिले तो शायद रविचंद्र अश्विन को यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज, इंडिया स्लो विकेट में बैटिंग शुरू करती है और फिर हमारे जो आज तक हमें बहुत अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे थे ओपनिंग की, हमारी 50, 60, 70 रन से मिल रहे थे, वो नहीं हुआ। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए एंड शुभमन गिल आउट होते ही विराट कोहली आए। विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी चीयर गई क्राउड में, एवरीबडी लव्स व्हेन विराट कोहली वॉक्स इनटू द फील्ड, बट वो उन्होंने 8-9 डॉट बॉल्स खेल लिए एंड एक उन्होंने बड़ा ही प्यारा कवर ड्राइव मारा लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग से इंग्लैंड ने वो कवर ड्राइव रोक दी। एट दैट मोमेंट अगर आप विराट कोहली का फेस एक्सप्रेशन नोट करते तो वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिकॉज उनको था कि यार मैं एक भी सिंगल नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग ऑफ द स्ट्राइक एंड ही एक्चुअली गॉट फ्रस्ट्रेटेड। सो इंग्लैंड की एक्सीलेंट फील्डिंग ने विराट कोहली को फ्रस्ट्रेशन के मोड पे खड़ा कर दिया एंड उनको ये ध्यान नहीं रहा कि उनके कैप्टन जो दूसरे एंड में है वो बहुत अच्छी लय में खेल रहे हैं। ही इज हिटिंग द शॉट्स, ही इज हिटिंग बिग सिक्सेस ऑन अ डिफिकल्ट विकेट। उन्हें वहां आराम से पेशेंटली वेट करना था और अपनी टर्न की वेट करनी थी बट ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, उन्होंने एक फॉल शॉट खेल दिया, बेन स्टोक्स ने वो कैच ले लिया एंड बेन स्टोक्स ने उंगली दिखाई बहुत जोर से, जो विराट कोहली आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए उस उंगली को देख के। ही गॉट अ लिटिल एंग्री एंड ही वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ एज वेल दैट वो उन्होंने
जो है वो विराट कोहली नहीं थे उस टाइम, वो इंग्लैंड के ट्रैप में फंस गए, उनकी फील्डिंग के ट्रैप में फंस गए. एंड ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है दैट यू नो समबडी कैन ट्रैप विराट कोहली बिकॉज ही इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटिंग माइंड. उसके बाद जी आते हैं हमारे श्रेयस अय्यर. मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि श्रेयस अय्यर इस विकेट में ज़रूर परफॉर्म करेंगे बिकॉज वो स्लो विकेट में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी टेक्निक भी सही है. बट एज यूजुअल श्रेयस अय्यर का जो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट जो उनकी डेफिशिएंसी है, जो वो पुल शॉट मारते मारते आउट हो जाते हैं, वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ. उन्होंने अपने कैप्टन का साथ नहीं दिया. एक्चुअली जो उन्होंने शॉट खेला था उसमें उनकी आर्म्स एक्सटेंड नहीं हुई थी, उन्होंने उनकी जो आर्म्स थी वाइल प्लेइंग द शॉट दैट वर टू क्लोज टू हिज बॉडी एंड इट वॉज अ टेक्निकली इनकरेक्ट शॉट. इन ऑर्डर टू प्ले अ पुल शॉट यू हैव टू बी एबल टू एक्सटेंड योर आर्म्स. अगर आप पुल शॉट खेलना चाहते हैं तो आपको आर्म की एक्सटेंशन चाहिए ताकि उस पुल शॉट में इनफ पावर आए कि वो बॉल बाउंड्री तक पहुंचे या एटलीस्ट डाउन ग्राउंड पहुंचे. अगर उस पुल शॉट में आपके आर्म्स एक्सटेंड नहीं होते हैं तो वो ऊपर जा सकती है बॉल और आप कैच आउट हो सकते हैं मिड विकेट सर्कल के अंदर या उससे थोड़ा सा पीछे. एंड एग्जैक्टली वही हुआ श्रेयस अय्यर के साथ. तो वो एक टेक्निकली गलत शॉट खेल के अगेन येट अगेन वो तीसरी बारी इस टूर्नामेंट में 6 मैचेस में तीसरी बारी एक पुल शॉट खेलते हुए शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए. मुझे लगता है इनफ चांसेस दे दिए हैं इंडियन टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर को. उनको बिल्कुल नहीं आगे चांस मिलने चाहिए. ही शुड बी ड्रॉप्ड फॉर प्लेइंग फॉर हिज ईगो. मतलब अगर एक आदमी बार बार एक ही काइंड ऑफ बॉल में फंस रहा है और बार बार वही शॉट मार रहा है, ही कुड हैव इजिली लेफ्ट द बॉल, ही कुड हैव इजिली यू नो डक्ट अंडर द बॉल कि नहीं मैं पुल शॉट नहीं खेलूंगा, मैं शॉर्ट बॉल को नहीं टच करूंगा. बट उन्होंने अपनी ईगो को बड़ा होने दिया एंड फिर से एक पुल शॉट मारने की कोशिश की और फिर से वो आउट हो गए. तो उनकी इसी गलती की वजह से इंडियन टीम मैनेजमेंट को श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर देना चाहिए एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मैचेस सो दैट उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल ठिकाने पे आ जाए. तो उनकी जगह जब हार्दिक पांड्या वापस आते हैं, आई थिंक स्काई शुड बी इंक्लूडेड इन दिस साइड बिकॉज स्काई ने कल एक बहुत बहुत डिफिकल्ट विकेट में एक बहुत बहुत प्यारी इनिंग्स खेली है. ही मेड 49 रन्स, उसमें एक छक्का उन्होंने मारा था जो लेग साइड पे 6 मारा था. बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट था वो उनका फेवरेट शॉट भी है जो वो मारते हैं. उसके अलावा उन्होंने डाउन द ग्राउंड भी बाउंड्रीज मारी, लेकिन जो उन्होंने लोअर एंड के साथ जो हमारे टेल एंडर्स थे उनके साथ जो बैटिंग की है दैट वॉज सिंपली कमेंडेबल. मतलब सिंगल्स डिनाई किए, बुमराह को सिंगल्स नहीं लेने दिए. ही केप्ट द स्ट्राइक विद हिमसेल्फ. ही न्यू कि अगर हम 50 ओवर्स खेल लेते हैं तो ये जो 170-180 का टारगेट अभी दिख रहा है वो 200 से ऊपर चले जाएगा एंड 200 का एक अलग प्रेशर होगा इस काइंड ऑफ विकेट पे. तो स्काई नेचुरली बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में उन्होंने विकेट के हिसाब से खेला, ऑपोजिशन के हिसाब से खेला, जो मैच सिचुएशन थी उस हिसाब से खेला एंड फॉर दैट ही डिजर्व्स ऑल द ब्राउनी पॉइंट्स. एंड आई थिंक व्हेन हार्दिक पांड्या इज बैक स्काई शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, श्रेयस अय्यर शुड बी ड्रॉप्ड एंड स्काई शुड बी रिटेन्ड इन दिस टीम. सो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे दैट टीम मैनेजमेंट भी इसी हाथ से सोचे. मुझे लगता है जो इंडिया की सेकेंड प्रॉब्लम थी इस मैच में वो श्रेयस अय्यर की जो बैटिंग थी वो और स्पेशली उनकी शॉर्ट बॉल की जो डेफिशिएंसी है बार बार उनको आउट करवा रही है. तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें आगे जाके ओवरकम करनी होगी क्योंकि एक क्रिटिकल सिचुएशन में वो अगर आउट हो गए यही शॉट खेलते हुए तो इंडियन टीम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. सो आवर नंबर 4 बैट्समैन नीड्स टू चेंज एंड श्रेयस अय्यर मस्ट बी ड्रॉप्ड. इसके बाद हमारे टेल एंडर्स की तो भाई क्या कहना, बुमराह एंड कुलदीप जो एंड तक बिल्कुल लेके गए, उनके 3 ओवर बाकी थे. कोई भी और टेल एंडर इन द वर्ल्ड जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है वो फटाफट शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं और वो आउट हो जाते हैं. इस वजह से पाकिस्तान ने अभी 6 मैचेस में सिर्फ 1 मैच में अपने कंप्लीट 50 ओवर्स खेले, बाकी हर मैच में वो ऑल आउट हो गए हैं. बट
इंडियंस ने ये बेवकूफ़ी नहीं की, उन्होंने पूरे अपने 50 ओवर्स खेले, सिंगल्स लिए, डबल्स भागे, शॉट्स नहीं अटेम्प्ट किए, जिस वजह से लास्ट विकेट में हमारे जो 20 ऑड रन्स ऐड हुए वो स्कोर हमारा 229 पहुंच गया, जो 200 के करीब था। वो जो एंड के 20-30 रन बुमराह ने इतने क्रूशल रन्स ऐड किए, मुझे लगता है वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक एक्स्ट्रा पैडिंग दे गए जो बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए। सो मार्क वुड ने बड़े बाउंसर मारे रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को, लेकिन बुमराह नहीं डरे, उन्होंने अपने सिंगल्स और अपने डबल्स पे फोकस किया और पूरे 50 ओवर्स खेल के इंडिया को 229 पे पहुंचा दिया। तो भाई बीच में एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया में इशू हो गई थी, जिस इशू में मैंने भी पार्टिसिपेट एक्चुअली किया था ट्विटर में, तो उसमें जो बामी आर्मी है, इंग्लैंड की जो ऑफिशियल फैन आर्मी है, उन्होंने विराट कोहली जब डक पे आउट हुए, जीरो पे आउट हुए, उन्होंने विराट कोहली का सर काट के एक डक के ऊपर लगा दिया और वो फोटो पोस्ट कर दी ट्विटर में। इंडियन क्रिकेट फैंस इतना ज़्यादा अपसेट हो गए, इतना ज़्यादा, इनफैक्ट मैंने खुद वो फोटो देखी, मैं खुद इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई। एक तो इंडिया बहुत टफ सिचुएशन में था, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, और दूसरा ऐसी फोटो देख के, वो भी विराट कोहली जो इतना नंबर वन बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है और इतना वेल रिस्पेक्टेड है, एंड इतनी अच्छी वो वर्ल्ड कप उनका जा रहा है, उनका कोई बाबर आजम या ऐसे लोगों का जैसा वर्ल्ड कप नहीं जा रहा है कि आप उनका मजाक उड़ाइए, लेकिन बामी आर्मी ने उनका सर काट के एक डग के ऊपर लगा दिया एंड वो फोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे डाली, जिसके वजह से पूरा सोशल मीडिया पे आग लग गई एंड लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। एंड इसका सही जवाब इंडियन बोलर्स ने दिया, क्योंकि हमने एक चीज़ का लगान तीन गुना वापस लिया, हमने उनके तीन बंदे डग पे आउट किए, जो रूट, देन बेन स्टोक्स एंड मार्क वुड, ये तीनों को हमने डक पे आउट किया और तीन बत्तक उनके बना दी। उन्होंने जो हमारे विराट कोहली के साथ किया, हमने उनका सही जवाब उनको दिया। बामी आर्मी का ट्विटर अकाउंट तीन घंटे के लिए डीएक्टिव हो गया था, क्योंकि लोगों ने इतनी ट्रोलिंग कर दी थी, इतना जवाब दे दिया था, तीन बत्तक लगा के उनके हर जगह पोस्ट में डाल दिया था, कि वो तीन घंटे तक इनएक्टिव ही हो गए अपने अकाउंट में। तो भाई अगर कोई आपके टॉप प्लेयर और मोस्ट रिस्पेक्टेड प्लेयर, आप खुद ही सोचिए, अगर सर जेफरी बॉयकॉट या जो आपके कोई लॉर्ड ये और सर वो के ऊपर सर काट के कोई लगा दे आपका, ठीक है, और एक किसी बर्ड या एनिमल पे लगा दे, तो आप लोगों को कितना गुस्सा चढ़ेगा। इन द सेम मैनर हमें भी इंडियंस होके उतना ही गुस्सा चढ़ा, एंड जितनी आपकी ट्रोलिंग आज तक चल रही है, जितनी ट्रोलिंग अभी तक चल रही है, उतना ही ट्रोलिंग आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपको एक प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी नहीं आई। इन रिटर्न हमारे बॉलर्स ने दिखाया कि हम आपकी क्या हालत करेंगे, और हमारे फैंस ने दिखाया, इंडियन क्रिकेट फैंस ने दिखाया कि हम आपकी क्या हालत कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बिफोर यू डिसरिस्पेक्ट अ प्लेयर एंड कट ऑफ हिज हेड एंड पुट इट ऑन एन बर्ड और एन एनिमल, यू बेटर बी केयरफुल कि भाई जवाब में आपके साथ क्या होगा, फिर आप देखते ही रह जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। सो गाइज आई थिंक टिट फॉर टैट हो गया, तीन गुना उनको वापस, जो 100 रन से ये हार गए, 100 थप्पड़ पड़ गए इनको बामी आर्मी के चेहरे में, एंड नेक्स्ट टाइम से ये जरूर याद करेंगे कि विराट कोहली या रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव को ट्रोल करने से पहले ये 1000 बारी सोचेंगे कि भाई हम करें या ना करें। सो एनीवे, कमिंग डाउन टू, रिलैक्स हो जाइए, सब लोग रिलैक्स हो जाइए, कमिंग डाउन टू इंडियन बोलिंग। तो भाई जब 229 का टारगेट आ गया या स्कोर बन गया, तो हमने सोचा यार पता नहीं इंडिया कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सो बट आर इंडियन बोलर्स हैड अदर आइडियाज। जसप्रीत बुमराह ने स्टार्ट लिया, सिराज का कुछ 34-0 थे इंग्लैंड, हमें लगा कि यार कुछ बन रहे हैं रन, मिलान तो बहुत फॉर्म में लग रहा है, तो बट जैसे ही 34-0 से वो 44-4 हो गए, 44-4 हो गए, तो भाई फोर विकेट्स चली गई उनकी 10 रन्स पे, विद इन द पावर प्ले दे लॉस्ट 4 विकेट्स, एंड ऑल थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह हु स्टार्टेड द डाउनफॉल एंड मोहम्मद शामी। आई मीन द सीम बॉलिंग ऑफ मोहम्मद शामी, उनको पिच से हेल्प मिल रही थी, उनको एयर में मूवमेंट मिल रही थी, एक प्योर सीम बॉलिंग वो कर रहे थे, बैट्समैन को उन्होंने पकड़ के रख दिया था, एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मोहम्मद शामी ने अभी तक सिर्फ वर्ल्ड कप में
दो मैचेस कैसे खेले हैं. ही हैज 40 विकेट्स इन द वर्ल्ड कप इन 13 इनिंग्स. आई मीन बुमराह के भी 32 विकेट्स हैं, यू नो शाहीन शाह अफरीदी के आई थिंक 18 विकेट हैं, बट मोहम्मद शमी हैज 40 विकेट्स विद द बेस्ट एवरेज, यू नो. सो आप ऐसे प्लेयर को इंडियन टीम मैनेजमेंट अगर बेंच में बैठाएगी एंड शार्दुल ठाकुर को उनकी जगह खिलाएगी तो यार दिस इज अ बिग ब्लंडर और ये ब्लंडर दोबारा नहीं होना चाहिए. तो इंडिया का थर्ड ब्लंडर था कि अभी तक उन्होंने मोहम्मद शमी को अभी तक बाहर बिठाए रखा था. एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि मोहम्मद शमी अब सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया के खेले. इंडिया को वर्ल्ड कप उठाने के लिए सिर्फ 5 मैच रह गए हैं, जिसमें से एक मैच नेदरलैंड्स की तरफ के साथ है जो हम मोस्ट लाइकली जीतेंगे, एक श्रीलंका के साथ है जो हम मोस्ट लाइकली जीतेंगे, एक साउथ अफ्रीका के साथ है जिसको हमें जीतना है भाई, क्योंकि उस दिन विराट कोहली का बर्थडे है 5th of November को, एंड देन सेमीफाइनल एंड फाइनल. तो अगर हमें कप उठाना है तो ये हमारा रोड टू फाइनल्स है एंड उसमें मोहम्मद शमी को नेक्स्ट 5 मैचेस खेलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहें तो शायद मोहम्मद सिराज को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं, अगर कोई स्लो विकेट आ गई आप यू नो अश्विन को अंडर डाल सकते हैं, बट प्लीज प्लीज हार्दिक पांड्या वापस आते हैं तो आप मोहम्मद शमी को नहीं निकालेंगे, शार्दुल ठाकुर को आप टीम में लेके प्लीज आप मत आना. सो अगर हम बात करें, बुमराह ने जो बॉलिंग की फैंटास्टिक, शमी ने जो बॉलिंग की फैंटास्टिक, एंड कुलदीप यादव आर डार्लिंग कुलदीप यादव, फर्स्ट बॉल टू जॉश बटलर टर्न्ड 7.2 डिग्रीज, मतलब 7.2 डिग्रीज का उन्हें टर्न मिला फर्स्ट बॉल में. जॉश बटलर को समझ ही नहीं आया, वो बॉल बाहर की तरफ जा रही थी, वो अंदर की तरफ आई एंड विकेट्स खत्म हो गई, उनकी विकेट्स गिर गई, मिडल स्टंप उड़ गया. सेम वो बॉल थी जो उन्होंने बाबर आजम को पिछले वर्ल्ड कप में की थी, जो आज तक बाबर आजम के दिमाग में कुलदीप का कहर है. उस बॉल से अब मुझे लगता है पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कुलदीप यादव का अगले 4 साल के लिए यही कहर रहेगा. सो वेल डन कुलदीप यादव, आपने बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग कल की. मोहम्मद शमी, आपने तो भाई दिल जीत लिया, लोगों का सब कुछ जीत लिया. आई मीन एवरीबडी हैज बिकम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ योर्स, सो वेल डन यू. एंड जसप्रीत बुमराह तो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, देयर इज नोबडी लाइक जसप्रीत बुमराह एंड वी आर जस्ट सो ब्लेस्ड टू हैव हिम. सो दैट इज इट जो कल का मैच में हुआ. इंडियंस आर ऑन टॉप, वी हैव क्वालिफाइड, हमारे 12 पॉइंट्स हैं, 6 on 6 हम जीत चुके हैं एंड वी आर रियली रियली गोइंग वेल इन दिस वर्ल्ड कप. अब हमारा नेक्स्ट मैच थर्सडे को है जो हमारे लिए क्वालिफाइंग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस हम एक अनबीटन स्ट्रीक की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो थर्सडे को हम ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मैच है श्रीलंका के साथ वो मैच भी हम आराम प्यार से जीत जाएं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट लगी हो बाकी एनालिसिस से. इसमें इंडिया की मैंने थोड़ी खामियां बताई हैं और लेकिन वो खामियां हमारे बॉलर्स ने पूरी की, वो खामियां छुपा दी. श्रेयस अय्यर का फॉल शॉट, विराट कोहली का फॉल शॉट छुपा दिया अच्छी बॉलिंग करके, एंड मोहम्मद सिराज जो थोड़ा पिट गए थे वो भी हमारा कवर अप हो गया. फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी एंड बेसिकली एक परफेक्ट मैच इंडिया का निकल गया. बस थोड़ी सी दुख है कि विराट कोहली यू नो जीरो पे आउट हो गए, बट दैट डजंट मैटर, इट्स द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप दैट ही इज गॉट आउट ऑन अ डक, तो वी कैन गिव हिम दैट मच लीवे. एंड रोहित शर्मा वॉज सिंपली ब्यूटिफुल. आई मीन वो कैप्टन हमारे जो हैं वो ना अपनी 50s की ना अपनी 100s की ना किसी चीज़ की परवाह कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक फोकस है कि इंडिया को गुड स्टार्ट मिलना चाहिए. सो नो सेल्फिश क्रिकेट, नो प्लेइंग फॉर हिज माइलस्टोन्स, जस्ट प्लेइंग फॉर हिज कंट्री एंड प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड कप. एंड इसके लिए रोहित शर्मा, सारे इंडियन क्रिकेट फैंस एंड पूरी इंडियन जो क्रिकेट फ्रिटर्निटी है वो आपको थैंक यू बोलती है एंड कंग्रेचुलेट बोलती है. एंड आपने हमें कल हमारा सुपर संडे बना दिया, हमें बहुत खुशी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ यू लाइक द चैनल देन आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कुछ आपके कमेंट्स हों कल के मैच के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लाइक यू नो यू कैन लीव योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.